well my dear students the course is labor policy pakistan and uh, the topic is section 12 13 14 and 15 of the bonded labor system abolition act 1992 let's move on to discuss section 12 and section 12 deals with punishment for extracting bonded labor agarku is local commencement kebad बॉन्डेड लेबर सिस्टम को कंटिन्यू करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं तो लॉ ये कहता है कि आसन हु इनफोर्सेज एनी कस्टम ट्रेडिशन प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विचू ऑफ विच एनी पर्सन और एनी मेंबर ऑफ इस फैमिली इज रिक्वायर्ड टू रेंडर एनी सर्विस अंडर दबर सिस्टम शैल बी पानिश तो यहां पर यह बात की जा रही है कि अगर कोई शख्स इस लॉ के आने के बाद कोई कस्टम के तहत ट्रेडिशन के तहत प्रैक्टिस के तहत कॉन्ट्रैक्ट के तहत एग्रीमेंट के तहत या किसी और इंस्ट्रूमेंट के तहत किसी भी बंदे को बॉन्डेड लेबर सिस्टम में बॉन्डेड लेबर करने पर मजबूर करता है तो उसको सजा मिलेगी उसको जेल में डाल दिया जाएगा कैद कर दिया जाएगा कितने अरसे के लिए जो कि पांच साल तक हो सकता है और इसमें जो कम से कम सजा है वो दो साल है और उसके साथ उसको जुर्माना भी किया जाएगा जो कि वन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज तक हो सकता है लेकिन ये जुर्माना जो है ये कम से कम इसकी जो मिकदार है वो थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज भी हो सकती है सेक्शन थर्टी के ऊपर थर्टीन के ऊपर चलते हैं सेक्शन थर्टीन ये कहता है पनिशमेंट फॉर उमिशन और फेलियर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बॉन्डेड लेबरर मॉडगेज लियन चार्ज के तहत अगर कोई प्रॉपर्टी किसी बॉन्डेड लेबरर की किसी क्रेडिटर के पास है तो वो रिस्टोर करने हैं तो उसकी जो रेस्टोरेशन है वो इस लॉ के तहत मलज़ूम है और अगर कोई क्रेडिटर उस रेस्टोरेशन को ओमिट करता है यानी भूल जाता है विलफुली नहीं बल्कि वैसे ही या बिल्कुल फ़ेल हो जाता है तो उसको फिर क्या सज़ा होगी तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा शख्स जो है वो ही शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू फाइव इयर्स और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और विद बोथ एंड आउट ऑफ द फाइन इफ रिकवर्ड पेमेंट शैल बी मेड टू द बॉन्डेड लेबर एट द रेट ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज नॉट रिस्टोर्ड टू हिम सेक्शन फोर्टीन ऑफ द लॉ रिलेट्स विद अबैटमेंट टू बी एन ऑफेंस अबैटमेंट क्या होती है कि आप किसी शख्स की किसी जुर्म करने में मदद करें उसे अबैटमेंट कहते हैं तो अगर कोई शख्स बॉन्डेड लेबर सिस्टम में अबैटमेंट करेगा तो उसकी भी जो सज़ा है वो बिल्कुल वही होगी जो कि ओरिजिनल ऑफेंडर को दी जाएगी सेक्शन 15 डील्स विद विजिलेंस कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हैं उनके ऊपर विजिलेंस कमेटीज बनाई जाएंगी जो ये देखेंगी कि क्या बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत जो फोर्स लेबर है या बॉन्डेड लेबर है वो तो कंटिन्यू नहीं हो रही तो इसमें कौन लोग आएंगे इसमें रेप्रजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे बार एसोसिएशन के लोग होंगे नुमाइंदे प्रेस के लोग होंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड लेबर एंड ह्यूमन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के भी रेप्रेजेंटेटिव इसमें मौजूद होंगे नव लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस वट आर द फंक्शन ऑफ विजिलेंस कमेटीज इसका पर्पज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्राइज करना है अबाउट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ और हेल्प करना है रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स को और इट इज दिस वेरी कमेटीज ड्यूटी टू कीप एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ द लॉ इसके अलावा इस विजिलेंस कमेटी की फंक्शन ये है कि टू प्रोवाइड द बॉन्डेड लेबरर्स